नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का गैनामेटिक्स चैनल पे सो so गाइज इस वीडियो में हम लोग एस एस में जो दो हज़ार सतारह में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चन एस एस जेई में टोटल सौ होते हैं तो इस वीडियो में हम लोग पच्चीस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में पच्चीस तो दो के पेपर को हम लोग चार वीडियोज़ में कवर कर लेंगे सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी एस्टैब्लिश फॉर अ लोअर पेयर हमें पता है कि जो लोअर पेयर होता है हमारा उसमें हमारा कॉन्टैक्ट होता है या तो एरिया कॉन्टैक्ट होता है या फिर सरफेस कॉन्टैक्ट होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू दैट इज़ सरफेस कॉन्टैक्ट और हमारा नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के बेस पे ना दूसरी क्लासिफिकेशन होती है एक हायर पेयर है ना तो हायर पेयर में क्या होता है हायर पेयर में या तो लाइन कॉन्टैक्ट होता है या फिर हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ रोटेशनल फ्रीडम एग्जिस्ट इन अ फ्री बॉडी इन स्पेस देखो जो हम फ्री बॉडी होती है हमारी स्पेस में ना अगर हम उसको कंस्ट्रेंट नहीं करते हैं तो उसके सिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं तीन तो होते हैं उसमें लीनियर ठीक है और तीन होते हैं उसमें रोटेशनल सो so, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन वन दैट इज़ थ्री नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कायनामैटिक चन इज नोन एज मकैनिज्म बेसिकली जब हम कायनामेटिक चेन का एक लिंक फिक्स कर देते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म सो so, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू वेन वन लिंक इज फिक्सड नौ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ फ्लाई व्हील विच इज रिटार्डिंग इफ टी इज द टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट एट एनी इंस्टेंट एंड टी मीन इज द मीन रजिस्टिंग टॉर्क देखो जो हमारा फ्लाई व्हील के केस में ना जो हमारी टी माइनस टी मीन अगर तो हो जाती है लेस देन ज़ीरो तो उस केस में करता है व्हील रिटार्ड ठीक है और अगर यही चीज टी माइनस टी मीन वो हो जाती है ज़ीरो से ज़्यादा ठीक है तो उस केस में हमारा व्हील करता है एक्सेलरेट ठीक है तो हमें गिवन है कि रिटार्ड कब करेगा फ्लाई व्हील तो वो कब करता है जब टी माइनस टी मीन इज लेस देन ज़ीरो ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नो विच टर्म डिफाइन्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन वन ठीक है दैट इज टू इंटू वी वन माइनस वी टू ओवर वी वन प्लस वी टू ठीक है अगर यही क्वेश्चन हमें आर पी एम्स में पूछा हो सकता था तो उस केस में हमने क्या करना है कि वी को सिर्फ एन से रिप्लेस कर देना बस ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ना वट इज द विलोसिटी रेशियो फॉर क्रीप इन द बेल्ट ड्राइव सिस्टम फॉर सिग्मा वन द स्ट्रेस इन टाइट साइड सिग्मा टू बींग स्ट्रेस ऑन द स्लैक साइड एंड ई इज़ दंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बेल्ट मटीरियर देखो जो क्रीप के केस में ना हमारी जो स्पीड रेश होती है दैट इज़ एन वन अपॉन एन टू वो हो जाती है हमारी एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू यहाँ पे ना ऑप्शंस में सभी में डी वन अपॉन डी टू है तो बेसिकली उसका आंसर मतलब एन वन अपॉन एन टू की वैल्यू होती है हमारी क्रीप के केस में एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन इन टू ई प्लस अंडरुट ऑफ सिग्मा वन अपॉन ई प्लस रूट ऑफ सिग्मा टू ये होती है क्रीप के केस में ना हमारी ठीक है इसे करेक्ट कर लेना ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच काइंड ऑफ पेयर कैन अटैचमेंट ऑफ़ कार मिरर बी क्लासिफाइड इन टू वो हमारा होता है कि स्लाइडिंग पेयर ठीक है जो कार मिरर की अटैचमेंट होती है हमारी स्लाइडिंग पेयर होती है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सेट टू बी इक्वल विद द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ कॉर्न क्लच देखिए जो हमारा कॉर्न क्लच ना टॉर्क ट्रांसमिट करता है ठीक है वो दोनों केसेस में हमारी दो थ्योरीज होती है ना एक यूनिफॉर्म बियर थ्योरी होती है एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी होती है उन दोनों के केसेस में ना जो कॉर्न क्लच के फॉर्मूलाज आते हैं वो सेम होते हैं ट्रिपजॉइडल पिविटल बेयरिंग के साथ ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर दैट इज़ ट्रिपिजॉर्डल पिविट बेयरिंग सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉलोइंगशन रिप्रजेंट द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन अ कॉनिकल पेविट बेयरिंग विद द रेडियस आर ऑफ द शार्फ्ट एंड अल्फा इज द सेमी एंगल ऑफ द कॉन हमें यहाँ पे कॉनिकल क्लच के लिए फ्रिक्शनल टॉक तो पूछी है बट यहाँ पर थ्यूरी के थ्यूरी नहीं बताई कि कौन सी थ्यूरी के बेसिस पे ये आंसर पूछ रहे हैं ठीक है क्योंकि हमें पता है कि एक तो हमारी होती है यूनिफॉर्म बियर थ्यूरी और दूसरी होती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अगर तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से आंसर लगाएँ तो वो होगा ये वाला और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल टॉर्क का ये वाला ठीक है बट यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया कौन सी थ्योरी के बेसिस पे आंसर देना है तो उस केस में आप लोग जाओगे यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग आंसर करोगे ठीक है आप लोग सो so, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ द नॉर्मल पिच एंड द एग्जिल पिच रिलेटेड टू अ हैलिकल गियर विद हेलिक सेंगल अल्फा सो वो होता है हमारा जो एग्जिल पिच होती है वो नॉर्मल पिच से रिलेटेड होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दैट इज पी सी इज इक्वल टू पी एन अपॉन कॉस अल्फा ठीक है तो ऑप्शन हो जाएगी इसकी ऑप्शन टू ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कुरेक्ट फॉर द ट्रेन वैल्यू फॉर गियर ट्रेन देखो गियर ट्रेन के केस में ना हमारी एक होती है तो ट्रेन वैल्यू ठीक है एक हमारी होती है स्पीड रेशो ठीक है जो तो ट्रेन वैल्यू होती है वो होती है एन टू अपॉन एन वन एन टू होती है हमारी ड्रिवन की स्पीड और एन वन होती है ड्राइवर की स्पीड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू ठीक है दैट इज स्पीड ऑफ द ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट विल बी दी चेंज इन दी वर्टिकल हाइट ऑफ अ वार्ड गवर्नर वैन दिस पीड इज़ डिक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी फाइव सॉरी फिफ्टी आर पी एम टू ट्वेंटी फ़ाइव आर पी एम ठीक है हमें पता है जो वार्ड गवर्नर के केस में हमारी हाइट होती है वो होती है एच इज़ इक्वल टू एट नाइन्टी फाइव अपॉन एन स्क्वायर ठीक है हमें एन की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर फिफ्टी आर पी एम टू ट्वेंटी फाइव आर पी एम तो हम बेसिकली एक तो निकाल एच निकाल लेंगे फिफ्टी आर पी एम के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा एच निकाल लेंगे ट्वेंटी फाइव आर पी एम के कॉरस्पॉन्डिंग और दोनों में डिफरेंस ले लेंगे दैट इज एच वन माइनस एच टू ठीक है उससे हमारा आंसर आ जाता है वन पॉइंट जीरो सेवन फोर तो इसका ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन टू ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड टू गवर्नर जो हमारी स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी होती है ना गवर्नर की वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू ठीक है नो विच रेशो डिफाइन्स हाइट ऑफ अ वॉट गवर्नर

एट नाइन्टी फाइव अपॉन एन स्क्वेयर सो हम बेसिकली दोनों हाइट्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैम फॉलोअर हैज़ द हाईएस्ट वियर रेट सो जो हमारा वियर रेट सबसे ज़्यादा होता है हमारा नाइफ एज फॉलोअर केस में सो so, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन बिटवीन द टू रनिंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ये तो बेसिकली हमें पता ही है कि जब दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज ईदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन देन द बॉडी सेट टू बी इन द डैश देखो यहाँ तो इसका आंसर ना तो रेस्ट आ सकता है ना आ सकता है यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि इधर केस है ना कि या तो बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है और रोटेशनल मोशन वैसे भी नहीं होगा तो इसका आंसर क्या रह जाता है हमारे पास इक्विलिब्रियम ठीक है ऑप्शन फोर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीम विच हैज़ वन डैश एंड एंड अदर डैश एंड इज नोन एज कैंटिलीवर बीम सो कैंटिलीवर बीम हमारी होती है जिसका एक एंड होता है फिक्सड और दूसरा वाला एंड होता है फ्री तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिक्सड एंड फ्री दैट इज ऑप्शन वन ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट दैल्यू ऑफ मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी इफ पॉइजन रेशो इज पॉइंट टू फाइव एंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मेटीरियल टू हंड्रेड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बेसिकल हमें बेसिकली यहाँ पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है हमें म्यू पता है और ई पता है ठीक है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ई इक्वल टू टू जी इंटू वन प्लस म्यू ठीक है ई की वैल्यू पुट करेंगे म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी जी की वैल्यू आ जाती है एट्टी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द हुक्स लो हमें पता है कि हुक्लो कहता है कि जो स्ट्रेस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ठीक है तो यहाँ पे पहली ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ठीक है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल गिवन है तो पहली ऑप्शन ठीक हो जाएगी यहाँ पे मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन दूसरी ऑप्शन करेक्ट है हुक्स स्लो के लिए तो ये आंसर नहीं रहेगा हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट ऑप्शन भी इनकोरेक्ट है ठीक है तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन भी हमारा आंसर हो सकता है तो यहां पे सारी ऑप्शन करेक्ट हैं सिवाय ऑप्शन टू के ठीक है तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन टू सॉरी वन थ्री एंड फोर ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टील रॉड हुज डायमीटर इज टू सेंटीमीटर एंड इज टू मीटर लॉन्ग एक्सपीरियंस इज हीटिंग ऑफ टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस टू वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस नो द कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज एल्फ़ा इक्वल टू ट्वेल्व इन टू टेन रेज टू पर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस एंड यंग मॉडल इज टू हंड्रेड गीगा पासकल इफ द रोड हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन देन दर्मल स्ट्रेस डिवेलप विल बी देखो जो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिग्मा इक्वल टू ई एल्फ़ा डेल्टा टी ठीक है ई एल्फा और डेल्टा टी की वैल्यूज गिवन है तो इसमें पुट कर देंगे हमारे पास सिग्मा आ जाएगा टू एटी एट ठीक है तो ऑप्शन हो जाएगी थ्री नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन फॉर दी थर्मल स्ट्रेस इन अ बॉडी आर गिवन बिलो तीन स्टेटमेंट्स गिवन है हमें थर्मल स्ट्रेस के रिगार्डिंग फर्स्ट है इट इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉफिशंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेकेंड है इट इज़ द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर राइज थर्ड है इट इज़ द फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी तो हमें पता है कि तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं ठीक है ठीके? जो हमारी थर्मल स्ट्रेस है वो कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का भी फंक्शन है ठीक है टेम्परेचर राइज का भी फंक्शन है और मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी का भी फंक्शन है ठीक है क्योंकि सिग्मा है हमारा ई एल्फा डेल्टा टी ठीक है तो यहाँ पे सारी की सारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी दैट इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज इन थ्री डायमेंशंस देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन अ स्ट्रेस टेंसर रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग दैट स्ट्रेस सो उस स्ट्रेस टेंसर के लिए ना हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है ठीक उस है उसमें नाइन एलिमेंट्स होते हैं हमारे ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर दैट इज नाइन ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दी इक्वल एंड टॉक इन अ शाफ्ट इज फाइव हंड्रेड न्यूट्रन मीटर एंड द बेंडिंग मोमेंट इज थ्री हंड्रेड न्यूट्रन मीटर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायर्ड टॉक एंड दी इक्वल एंड बैंडिंग मोवमेंट हमें यहाँ पे बेसिकली इक्वल एंड टॉक गिवन है दैट इज टी गिवन है हमारे पास फाइव हंड्रेड और हमारे पास गिवन है बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू थ्री हंड्रेड ठीक है और पूछा है इन्होंने हमारे से एक तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है दूसरी एम ई कैलकुलेट करनी है पहले हम टी कैलकुलेट करते हैं हमें पता है कि जो इक्वल टॉक का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ठीक है हमें टी ई की वैल्यू पता है और एम पता है इससे हमारे पास टी आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फोर हंड्रेड ठीक है और फिर हमारे पास होता है एम का फॉर्मूला दैट इज़ इक्ल मूवमेंट वो होता है वन पॉइंट टू एम प्लस अंडरू ऑफ़ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ठीक है ये हमारी इक्वल टॉक ही होती है यहाँ पे ठीक है हमने एम कैलकुलेट कर लिया है ये पता है हमें तो एम की वैल्यू भी यहाँ से हमारी फोर हंड्रेड आ रही है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 400 Nm and 400 Nm, that is option 2. Now, next question. What will be the change in the length of a steel bar having a square cross section of dimension 40 mm into 40 mm, which is subjected to an axial compressive load of 200 kN. If the length of the bar is 4 meter and modulus of elasticity is E is equal to 250 GPa. तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है जब लोड लग रहा होता है किसी बॉडी पे डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू ई ठीक है हमें <coughs> लेंथ भी गिवन है यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है एरिया भी गिवन है और लोड भी गिवन है कितना लग रहा है तो हम इससे सारी वैल्यूज को सब्स्यूट कर देंगे और डेल्टा एल कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है और डेल्टा L... तो इससे हमारी डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी टू पॉइंट फाइव ठीक है तो ऑप्शन हमारा वन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ टू पॉइंट फाइव एम एम सो गाइज ये था इस वीडियो का एंड तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सो थैंक यू एंड गुड बाय